ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 सितंबर गुरुवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आपका प्रयास आज आपको अच्छी कामयाबी दिला सकता है। यदि आप राजनीति में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। आज आपको अचानक धन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसमें आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। साथ ही साथ आज आपके प्रत्येक कार्य सरलता पूर्वक संपन्न होंगे। किसी मनोहर स्थल पर प्रवास हो सकता है, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाभदायक रहेगी, घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे, वाहन सुख भी आज आपको प्राप्त होगा। नई योजनाएं और विचारधारा की नवीनता से व्यापार प्रगति की दिशा में अग्रसर होने लगेगा। कला के प्रति आज आपकी अभिरुचि विशेष रहेगी, आपकी आज अनेकों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आप प्रसन्न चित्त रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धन लाभ भी होगा, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोष की भावना का अनुभव होगा। ईश्वर की आराधना, जाप और आध्यात्मिकता आपको शांति का अनुभव कराएंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी, इसके फलस्वरूप आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा। कार्य क्षेत्र के सभी काम सफल होंगे, अटके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। गृह एवं संतान संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे, विद्यार्थी मौज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, आज का समय आपके लिए काफी उतार चढ़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छा रहने वाला है। मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को घिरा पाएंगे। कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे। मनोरंजन, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण आदि के पीछे आज खर्च हो सकता है। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें, जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। साथ ही साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वयं अपना कार्य करने की आदत डालें। माता पिता का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भाग्य और सुख की प्राप्ति असंभव है। साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर आज आपको संयम रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बैठे। आग, पानी और वाहन दुर्घटना से संभल कर रहे। बदनामी और निषेधात्मक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा। दैनिक कार्यों में थोड़ा अवरोध आएगा, साथ ही साथ कुछ परिस्थितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगी। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है, नए काम में रुकावट आ सकती है। समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी की सलाह आप अवश्य लें, दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें।
बहस करने से मुसीबत में आज आप फंस सकते हैं। यात्राओं को भी आज आप टालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास सफल हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो रहा है, वह भी आज समाप्त हो सकता है। आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बातें ना करें। आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप किसी रिश्ते में पहले से हैं या किसी की तलाश में हैं तो वह मिल सकता है, तो आपको इस मामलों में खुशी मिल सकती है। रोमांटिक आकर्षण की आज संभावना है। मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच व डिनर भी आप साथ करेंगे। दोनों के बीच कोई तोहफों का भी आज आदान प्रदान होगा। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कार्यभार की आज अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। अधिकारी आज आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज माहौल काफी अच्छा रहेगा और व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी। आर्थिक लाभ प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं। धन लाभ संचय करने का भी प्रयत्न सफल हो सकता है। साथ साथ आज आपको अपने व्यवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं, जिनका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। जी दोस्तों व्यवसायिक दृष्टि से आज की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों भ्रम भय व पीड़ा की स्थिति आज उत्पन्न होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे। खान पान पर आज आपको विशेष ध्यान देना होगा, वरना पाचन क्रिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजोर ना पड़ने दें। तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाएं। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग का फूल अर्पित करें और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करें और साथ ही साथ धार्मिक पुस्तकों का भी आप दान करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।